हेलो स्टूडेंट्स, मैं एलआर बर्चिया अपने फिजिक्स चैनल फिजिक्स वाले में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में समझेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट है क्या? तो व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी of the source is apparently changed for the observer, यानी observer को source से आने वाले waves की frequency उतनी नहीं लगेगी जितनी के actual में है, थोड़ा सा change लगेगा, या तो कुछ बढ़ा हुआ लगेगा या फिर कुछ घटा हुआ लगेगा, depend करता है कि उनके बीच की relative velocity किस प्रकार की है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जो अपेरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, बस इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? इट इज अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इट इज अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो जो डॉपलर इफेक्ट होता है यह साउंड वेव्स में कुछ अलग होता है थोड़ा सा, और लाइट वेव के लिए थोड़ा सा अलग है। तो आज हम पहले साउंड वेव्स के लिए डॉपलर इफेक्ट समझेंगे कि साउंड वेव्स में डॉपलर इफेक्ट किस तरह से मिलता है, सुनने में आता है। तो हम पहला केस ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तो एक सोर्स है, स्टेशनरी सोर्स है, रेस्ट में है, और एक ऑब्जर्वर है जो सोर्स की तरफ वी ओ स्पीड से जा रहा है। ऑब्जर्वर की चलने की जो स्पीड है वो वी ओ के बराबर है, और वो सोर्स की तरफ जा रहा है। सोर्स ने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो भी वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा। याद रखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, क्योंकि सोर्स से ये प्रोड्यूस हुआ और ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तभी तो ऑब्जर्वर इसको रिसीव कर पाएगा। तो सोर्स जो है वो भी वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। साउंड जो है वो भी वेलोसिटी के साथ सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जर्वर को इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लगेगी? मान लीजिए कि सोर्स की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। लेट द रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड विच प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इज न्यू। तो होगा क्या? यदि ऑब्जर्वर रेस्ट में होता तो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले इस तरह की जो वेव्स हैं वो ऑब्जर्वर को एक सेकंड में कितने मिलते? तो हम कहेंगे न्यू। ऑब्जर्वर के कानों तक सोर्स से आने वाले कितने साउंड वेव्स एक सेकंड में पहुंचते? तो जवाब है न्यू। न्यू वेव्स ऑब्जर्वर के कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर स्वयं वी ओ वेलोसिटी के साथ सोर्स की तरफ आ रहा है। तो होगा क्या? ये वी ओ डिस्टेंस में जितने वेव्स आ सकते हैं वो ऑब्जर्वर को एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ से आने वाले न्यू वेव्स तो उसके कानों तक पहुँच ही रहे हैं एक सेकंड में, और एक सेकंड में ऑब्जर्वर यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया, तो इतने डिस्टेंस में जो वेव्स आ रहे हैं वो वेव्स ऑब्जर्वर के कानों से एक्स्ट्रा टकराएंगे और ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑब्जर्वर को अपेरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी मिलेगी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर इन दिस केस न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू प्लस नंबर ऑफ वेव्स इन द डिस्टेंस V।
कि व्यू डिस्टेंस में जितने वेव्स आ रहे हैं वो और उसको मिलने वाले हैं। तो व्यू डिस्टेंस में कितने वेव्स पहुंचेंगे, कितने वेव्स होंगे, तो न्यू प्लस व्यू बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, कि एक वेव की वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ जो है वो लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा डिस्टेंस में कितने वेव्स आए, एक, तो वीओ डिस्टेंस में कितने वेव्स आएंगे, वीओ बाई लैम्डा, राइट। तो इतने वेव्स उसको एक्स्ट्रा मिल गए विद इन वन सेकेंड। तो ये होगा ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाला एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू। तो पुट दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, देन यू हैव न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू प्लस वी ओ अपॉन वी इनटू न्यू, ये न्यू जो है ऊपर आ जाएगा। तो दोनों जगह से न्यू तो हम कॉमन ले सकते हैं, सो इट इज वन प्लस वी ओ अपॉन वी, या कहें कि न्यू वी प्लस वी ओ बाई वी। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर द एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर व्हेन ही इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, कि सोर्स की तरफ जा रहा हो तो उसको इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। मतलब ये कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ये ज़्यादा होगा। लेकिन क्या होगा यदि ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हो, तो व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स देन यू जस्ट पुट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इन दिस केस एज माइनस वी ओ, इधर प्लस वी ओ लिया तो इधर माइनस वी ओ लेना होगा, तो हम उस तरफ माइनस वी ओ लेंगे, तो यहाँ पर जो प्लस साइन है उसकी जगह पे माइनस साइन हो जाएगा। तो वे द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स देन न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू वी माइनस वी ओ बाई पी। मतलब ये कि इस केस में ऑब्जर्वर को फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम महसूस होगी। याद रखिएगा कि ये एक्चुअल चेंज नहीं है, इट इज ओनली अपेरेंट चेंज। ये जो चेंज होगा वो केवल ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, दूसरे ऑब्जर्वर, दूसरे जो लोग हैं जो कि इसी के आसपास खड़े हों, रेस्ट में हों, उसको ये चेंज महसूस नहीं होगा। दिस चेंज इज ओनली फॉर द ऑब्जर्वर इन मोशन। तो ऑब्जर्वर यदि सोर्स की तरफ जा रहा है तो इतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, और यदि वो दूर जा रहा है तो वह इतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। तो ये जो चेंज आया इन फ्रीक्वेंसी, इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये पहला केस। अब हो सकता है कि ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, सोर्स जो है वो मोशन में है, या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या फिर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो। तो इस केस में कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, इसके लिए जरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो नाउ केस टू, व्हेन सोर्स moves towards stationary observer, तो क्या हो रहा है कि ये सोर्स है और ये वी एस वेलोसिटी के साथ मान लीजिए ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया है उसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी न्यू है और उस साउंड की वेलोसिटी मान लिया भी है, और ये भी किस तरफ होगा, ऑलवेज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर ओ, ऑलवेज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर ओ। अब यदि दोनों रेस्ट में होते तो यहाँ से जो वेव्स निकल रहे हैं वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं इस तरह से,
वेव जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं। वेवलेंथ कितना है तो लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, वेलोसिटी कितनी है वी। तो इन सबके बीच में रिलेशन हमको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ वेव वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इतना होगा। तो वेवलेंथ कितना हुआ, तो वेवलेंथ हुआ द वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, द वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक, लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि यहाँ पर तो सोर्स स्टेशनरी नहीं है, ये ऑब्जर्वर की तरफ जो कि रेस्ट में है वो वी एस वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो यदि ये सोर्स स्टेशनरी होती तो एक सेकेंड में उसकी साउंड यहाँ तक आ जाता। मान लो कितना हुआ है डिस्टेंस, मान लीजिए कि भी इतने डिस्टेंस में कितने वेव्स आ रहे हैं न्यू, किस में कितने वेवलेंथ के लैम्डा। लेकिन सोर्स अपनी स्पीड के कारण एक सेकेंड बाद यहाँ होगा, कितना डिस्टेंस हो गया ये वी एस, एक सेकेंड बाद सोर्स यहाँ नहीं यहाँ होगा। तो ऑब्जर्वर को इतने वेव्स न्यू वेव्स जो यहाँ पर सुन रहा मिल रहा था वो न्यू वेव्स अब ऑब्जर्वर को इतने ही डिस्टेंस में लगेगा। मतलब ये कि सोर्स के वेव का जो वेवलेंथ है वो थोड़ा सा कम लगेगा, वेवलेंथ थोड़ा सा कम महसूस होगा ऑब्जर्वर को, कि जितने वेव्स वी डिस्टेंस में आ रहे थे अब उतने ही वेव्स वी माइनस वी एस डिस्टेंस में आएंगे। भाई ये डिस्टेंस कितना हो गया वी माइनस वी एस, यहाँ से आता तो v माइनस वी एस डिस्टेंस में कितने वेव्स आ रहे हैं द सेम, न्यू वेव्स ही आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को ये फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ थोड़ा सा चेंज महसूस होगा। तो ड्यू टू मोशन ऑफ द सोर्स एपरेंट वेवलेंथ apparent wavelength for observer lambda dash will be equal to v minus vs by new। अब जो न्यू वेव्स हैं वो v डिस्टेंस में नहीं आ रहे हैं, v माइनस वी एस डिस्टेंस में आ रहे हैं, तो इतना वेवलेंथ उसको महसूस होगा। और यदि वेवलेंथ चेंज हो गया है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि वेवलेंथ चेंज हो गया है, तो उसके लिए तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। और मान लीजिए कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश आ रहा है, तो लेट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द ऑब्जर्वर इज न्यू डैश देन लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू वी बाई न्यू डैश। यानी वेवलेंथ अगर इतना है लैम्डा डैश है तो ये वेवलेंथ होगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अब ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कितनी महसूस हो रही है न्यू डैश, तो वेवलेंथ इतना मिलेगा। तो ये दो इक्वेशन लैम्डा डैश के निकले हैं, दोनों की क्विट करें, दोनों की क्विट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट वी विल हैव, वी अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन न्यू। दोनों को जरा इन्वर्स निकालें तो न्यू डैश बाय वी, इसको हमने उल्टा किया तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना होगा, न्यू अपॉन वी माइनस वी एस, एंड देयरफॉर न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो इस केस में जबकि सोर्स मोशन में हो ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तो ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इतना होगा, यानी अपने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा।
अब यहाँ पर भी वो केस हो सकता है कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो आपको कुछ नहीं, वी एस की जगह पे माइनस वी एस रखना होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इधर अगर प्लस वी एस था तो इस तरफ माइनस वी एस हो जाएगा। तो वेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, then new dash is given by new upon v by v upon new into v upon v plus vs, and observer को actual जो frequency हो जो सुनाई देने वाली frequency होगी वो actual frequency से थोड़ी कम महसूस होगी। तो ये हुआ Doppler effect in sound। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों motion में हो। तो एक तीसरा केस हम लेते हैं जहाँ पर कि सोर्स भी मोशन में है, ऑब्जर्वर भी मोशन में है। तो केस थ्री, व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अवे फ्रॉम द सोर्स तो लीजिए, मान लीजिए कि एक सोर्स है एस, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू है और जो साउंड इसने प्रोड्यूस किया वो वी वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर है। अब ये सोर्स जो है, जैसा कि हमने कंसीडर किया हुआ है, वी एस वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर वी ओ वेलोसिटी के साथ सोर्स से दूर जा रहा है। तो इस केस में ऑब्जर्वर को यहाँ से आने वाले साउंड की एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा, ये जरा हमको कैलकुलेट करना है। ये जो कंडीशन हमने, ये जो सिचुएशन हमने लिया है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। डॉपलर इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए हम यहां पर तीन वेलोसिटी डील करते हैं, सोर्स की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी। और जो सिचुएशन हमने यहां पर ली हुई है उसमें तीनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, वी एस इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी, VO is also in the direction of V। तो इसको स्टैंडर्ड पोजीशन मान लीजिए। इस सिचुएशन में जो भी फॉर्मूला आएगा वो हमारा डॉपलर इफेक्ट का स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। अब किसी केस में, किसी सिचुएशन में सोर्स इसके अपोजिट जा रहा है, मतलब सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो उसके सामने माइनस साइन लगा देना है, यानी वी एस की जगह माइनस वी एस लेना होगा। ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ आ रहा है, यानी कि वी ओ जो है वो वी के अपोजिट हो गया, तो अभी हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें वी ओ की जगह माइनस वी ओ रख दोगे तो उस केस के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इनमें से कोई भी एक यदि रेस्ट में है तो उसकी जगह जीरो कर देना, उस केस के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी इस फॉर्मूले में हम अपने जैसा भी सिचुएशन है उसको अप्लाई करके अपने केस के लिए, अपने सिचुएशन के लिए फार्मूला बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडर्ड पोजीशन, और इसे इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमने कहा कि सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू है, साउंड की वेलोसिटी वी है,
सोर्स जो है वो वी एस वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो वी ओ वेलोसिटी के साथ सोर्स से दूर जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को रिसीव होगी? तो मान लीजिए कि यदि ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है, केवल सोर्स चलता है वो भी ऑब्जर्वर की तरफ, तो उस ऑब्जर्वर को साउंड की कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी महसूस होती लगती, ये तो हम लोगों ने भी निकाला था। तो इफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन apparent frequency for observer, मान लीजिए कि न्यू वन होता तो न्यू वन बराबर मिलेगा न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस, इतनी फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर को रिसीव होता यदि वो रेस्ट में होता। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको तो उसको इतनी महसूस होती, अपेरेंटली वो इतना चेंज महसूस करता। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा सोर्स इतनी फ्रीक्वेंसी वाला है और केवल ऑब्जर्वर चल रहा है, और वो भी कैसे, अवे फ्रॉम द सोर्स। तो हमारे पास अब सोर्स जो है वो रेस्ट में है मान लीजिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, कितनी, न्यू वन। तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी का सोर्स यदि रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा हो तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? अभी हम लोगों ने एक से भी निकाला हुआ फार्मूला, बस उसी को यहाँ पर यूज करना है। तो इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए स्टेशनरी सोर्स of frequency new one, then apparent frequency for the observer new dash will be equal to the actual frequency of हम new one ले रहे हैं, वी प्लस वी ओ वी माइनस वी माइनस वी ओ बाई वी। ये फॉर्मूला देखिए अभी हम लोगों ने डिराइव किया, अब वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो, इतना मिलेगा। अब इसमें मैं न्यू वन की वैल्यू इक्वेशन वन से रख देता हूँ तो मुझे न्यू डैश के लिए फाइनल फार्मूला मिल गया। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वन की जगह मैं रख रहा हूँ न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी, सो इट इज न्यू वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस। तो जैसे मैंने कहा ना कि इट इज स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर यू फॉर डॉपलर इफेक्ट, कि डॉपलर इफेक्ट के लिए अभी आपके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। कब है ये फार्मूला एप्लीकेबल? When the velocity of source and velocity of the observer both are just in the direction of the velocity of sound, कि जिस direction में sound की velocity है उसी direction में वी एस यानी कि source की velocity और उसी direction में वी ओ यानी कि observer की velocity भी है, तो उस case में हमें इतना frequency सुनाई देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी यदि अपोजिट जा रहा है, वी के अपोजिट जा रहा है, तो उसके सामने का साइन चेंज कर देना, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। यदि ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स तो यहाँ पर आपको माइनस वी ओ की जगह प्लस वी ओ रखना होगा। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी उसकी वेलोसिटी वी के अपोजिट आ गया तो उसके सामने का साइन बदल देना यानी वी प्लस वी एस हो जाएगा। और इसमें से यदि कोई रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देना। ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये जीरो हो जाएगा, सोर्स रेस्ट में है तो ये जीरो हो जाएगा।
मतलब ये कि आपको ये सिचुएशन याद रखनी है, ये फार्मूला याद रखना है, तो आप किसी भी केस में डॉपलर इफेक्ट के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक और केस यहाँ पर हम लेते हैं, एक स्पेशल केस कि मान लीजिए कि सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो ऑब्जर्वर तक कौन पहुँचा रहा है, व्हाट इज द मीडियम बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन आंसर इज एयर। ये जो साउंड है थ्रू एयर ऑब्जर्वर तक आ रहा है। अब यदि एयर भी फ्लो में है, हवा भी बह रही है, यानी कि मीडियम भी मोशन में है, तब डॉपलर इफेक्ट क्या होगा? तो एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि मान लीजिए कि एयर का फ्लो भी सोर्स टू ऑब्जर्वर है और उसकी वेलोसिटी डब्ल्यू है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर। कि एयर इज आल्सो फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी डब्ल्यू फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, यानी हमने जानबूझकर के ऐसा केस लिया हुआ है जिसमें कि चारों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, वी एस डब्ल्यू और वी ओ सब की डायरेक्शन वी है। ये जो वी होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कि इसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा सोर्स टू ऑब्जर्वर, इसी के साथ में सबको कंपेयर करना है। तो इस केस में जो डॉपलर इफेक्ट मिलता है न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी एस, यानी ऑब्जर्वर के लिए साउंड की जो अपेरेंट वेलोसिटी होगी उसमें एयर की वेलोसिटी भी जुड़ जाएगी, यानी एयर भी साउंड को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो साउंड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी प्लस डब्ल्यू। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट। अब यदि मीडियम की वेलोसिटी आपके प्रॉब्लम में नहीं है, यानी कि जीरो दिया हुआ है, तो डब्ल्यू जगह जीरो रख लेंगे, यह आ जाएगा। और जो भी सिचुएशन आएगी जैसे मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फार्मूला यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो इट इज मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट, जिसमें कि चारों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। कोई भी एक वेलोसिटी यदि अपोजिट हुआ तो आप उसके सामने का साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। कोई भी यदि रेस्ट में है तो उसकी जगह जीरो रख देना, जैसे कि एयर का फ्लो के बारे में कुछ नहीं बताया वो रेस्ट में मान रहे हैं तो डब्ल्यू जगह जीरो हो जाएगा। ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसकी जगह जीरो कर देना, या सोर्स रेस्ट में है तो उसकी जगह जीरो कर देना, तो उस वेलोसिटी को जीरो कर देना, तो आपको अपना फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। इस डॉपलर इफेक्ट का एक और स्पेशल केस हम ले रहे हैं, साउंड में ही ले रहे हैं, वह है फ्रीक्वेंसी ऑफ इको। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको मान लीजिए कि कोई एक कार है, ये किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जा रहा है, इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो सकता है? कोई बड़ी सी दीवार हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, यानी कोई भी एक सरफेस है जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कार इज मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस सपोज विथ वेलोसिटी यू। कार जो है यू वेलोसिटी के साथ में सरफेस की तरफ जा रहा है और चलते हुए इसने एक साउंड प्रोड्यूस किया, जैसे कि हॉर्न प्रोड्यूस किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है। तो कार जो हुआ वो सोर्स हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हुआ वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो गया। तो ये अब इस काम कर रहा है सोर्स का, इट इज नाउ बिहेव लाइक ए सोर्स। कि सोर्स जो है वो यू वेलोसिटी के साथ में जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है,
और ये जो साउंड प्रोड्यूस किया है वो सोर्स की सरफेस की तरफ वी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है. वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द कार. तो कार यहाँ पर सोर्स बन गया जिसकी वेलोसिटी यू है, यानी कि वी एस इक्वल टू यू. अभी जो यू है कार की वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू वी एस द वेलोसिटी ऑफ सोर्स. और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, बट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू द फ्रीक्वेंसी विल बी अपेरेंटली चेंज बाई द फॉर द सोर्स फॉर द ऑब्जर्वर फॉर द रिसीवर. तो यहाँ से जो साउंड इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि न्यू डैश हो गई. क्या काम कर रहा है ये ऑब्जर्वर का, ये ऑब्जर्वर का काम कर रहा है. तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो. अब इसने कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, तो मान लेते हैं कि न्यू वन. इसने न्यू वन फ्रीक्वेंसी रिसीव किया है तो न्यू वन की वैल्यू कितनी होगी. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस अभी मैंने डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला आपको दिया था बस उसको यूज करना है. क्या था स्टैंडर्ड फार्मूला, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस. अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो है तो जीरो रखते हैं, और सोर्स की जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, मीन्स स्टैंडर्ड पोजिशन में है. नो चेंज इन द साइन ऑफ द सोर्स वेलोसिटी. हाँ केवल उसकी वैल्यू हमने लिया हुआ यू. तो कितना हो जाएगा, न्यू वन विल बी इक्वल टू न्यू वी अपॉन वी माइनस यू. इतनी फ्रीक्वेंसी जाके उसके ऊपर गिरेगा और फिर ये साउंड को इस वेव को ये जो सरफेस है वो आकार की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट किया तो जब इसने रिफ्लेक्ट किया, अब साउंड वी वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी इसने रिफ्लेक्ट किया है, तो न्यू वन. यानी कि अब हमारा सरफेस सोर्स बन गया. ये सोर्स का काम कर रहा है. कैसा सोर्स, जिसकी वेलोसिटी जीरो है. अभी सोर्स की वेलोसिटी जीरो है और इसने साउंड प्रोड्यूस किया है, मान लेते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी का, न्यू वन का, जो वी वेलोसिटी के साथ किस तरफ जा रहा है, कार की तरफ. अब ये कार क्या कर रहा है, इस साउंड को रिसीव कर रहा है, माने कि अब ये ऑब्जर्वर का काम करेगा. इस कार में जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो अब ऑब्जर्वर का काम करेगा, वही साउंड को सुनेगा. तो किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है ये, तो ये चल रहा है यू वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंटली टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये जो वेलोसिटी है अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई. दिस इज द वेलोसिटी फॉर द ऑब्जर्वर, क्योंकि कार अब ऑब्जर्वर बन गया है, सरफेस अब सोर्स बन गया है. साउंड की वेलोसिटी अब सोर्स से ऑब्जर्वर यानी कि कार की तरफ हो गया भी, यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अब सोर्स सॉरी साउंड की वेलोसिटी का अपोजिट हो गया. और यदि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी का अपोजिट हो तो हमें इस फॉर्मूले में वीओ के सामने का साइन चेंज कर देना है, यानी कि माइनस की जगह प्लस कर देना है. तो हमें साइन भी मालूम हो गया प्लस हो जाना है, वी ओ की वैल्यू भी मालूम हो गई यू है, वी एस की वैल्यू भी मालूम हो गया जीरो है. ये सारे वैल्यू यहाँ पर रख दें तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एको रिसीव्ड बाई द कार, कि कार को जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है ये मान लीजिए कि न्यू डैश मिल रहा है.
यानी ये जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, यहाँ तक आते आते चेंज हो गया, कितनी आ गई मान लो इसको मिल रही न्यू डैश, तो न्यू डैश विल बी गिवन बाई द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो गया न्यू वन अपॉन वी प्लस यू। ये बात तो फिर से समझा दूँ कि वी ओ की जगह हमको यू रखना है, और ये जो वेलोसिटी है यू वो वी के अपोजिट है, तो वी के अपोजिट है तो वी ओ के सामने का साइन भी चेंज कर देना है, तो हमने कर दिया प्लस यू अपॉन वी, क्योंकि वी एस तो यहाँ पर जीरो है। अब इसमें हम यदि न्यू वन की वैल्यू रख दें तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी अपॉन वी माइनस यू वी प्लस यू बाई वी, एंड देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन वी प्लस यू इन टू वी प्लस यू, ये वी और वी कैंसिल हो गया, अपॉन वी माइनस यू। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको विच इज रिसीव्ड बाई द कार ड्राइवर, कि कोई कार रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ चलते हुए यू वेलोसिटी के साथ चलते हुए न्यू फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करे, तो वो जो साउंड वापस उसको फिर से मिलेगा इको जो मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। अब यहाँ पर आपको फिर से एक नया केस मिल सकता है कि सपोज कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, कि कार जो है वो सरफेस से दूर जा रहा है, तो कार यदि सरफेस से दूर जा रहा है यानी यू की यू की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो इस फार्मूले में यू के सामने का साइन चेंज कर देंगे, ऊपर में प्लस था तो माइनस और नीचे माइनस था तो प्लस। तो स्पेशल केस इफ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस देन न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू वी माइनस यू अपॉन वी प्लस यू। तो इस केस में कार ड्राइवर को इतनी फ्रीक्वेंसी का इको सुनाई देगा। तो ये डॉपलर इफेक्ट को किसी प्रॉब्लम में अप्लाई करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यदि इस चैनल के टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि नए अपलोड के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में फिर से अगले लेक्चर में फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।